राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है, जहां होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट सच धज कर तैयार हो गए हैं। तो वहीं इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जहां नए साल के नाम पर हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है, जिसके लिए शहर में कई स्थानों पर चेकिंग पॉइंट भी बनवाए गए हैं, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न की तैयारी पूरी है। होटल से लेकर रेस्टोरेंट सब कुछ सज धज कर तैयार है। इसके साथ ही पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जहां नए साल के नाम पर हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए भी पुलिस ने शहर में कई स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनवाए हैं, जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी कैमरा के साथ तैनात रहेगी, साथ ही औचक निरीक्षण के लिए भी दास्तां तैयार किया गया है। आज रात को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई पार्टियां या कई अन्य आयोजन हो रहे हैं। उस संदर्भ में ट्रैफिक पुलिस भोपाल द्वारा 20 स्थानों पर, शहर के विभिन्न 20 स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर के साथ चेकिंग रखी गई है। साथ ही थाने का जो स्टाफ है उनके द्वारा अलग अपने अपने थाना क्षेत्रों में ब्रीथ एनालाइजर के साथ चेकिंग की जाएगी। ये चेकिंग लगभग 8:30 बजे से 1 बजे तक चलेगी जी। उनके खिलाफ जो भी हमारी धाराएं हैं उसमें हम नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ड्राइवर को उसमें जो नशा है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें जैसे भी परिस्थितियां पाई जाएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक जो हमारे 185 होती है, मोटर व्हीकल की धारा 185 होती है, उसमें हम ये कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन ने भी नए साल में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपनी विशेष तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।